गवर्नमेंट के आयुष विभाग की ओर से आज पूंछ में एक मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां 24 घंटे काम करने वाले वर्कर्स को इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई बांटी गई। पीएनआई के लिए पूंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। एक कैंपेन चल रही है पूरी आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से, जे एंड के गवर्नमेंट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट पुंछ यूनिट से। हमारे साथ डॉक्टर मंजूर कुरैशी साहब ही इंचार्ज हैं, एडीएमओ हमारे डॉक्टर हैदर साहब, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे हम जगह जगह जाके हॉस्पिटल्स में पुलिस पर्सनल्स को, प्रेस के लोगों को, इनको कोशिश कर रहे हैं कि दवाइयाँ दें, जो फर्स्ट लाइन हमारे वर्कर है जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है पेशेंट से, ये जिनको, ताकि उनको इम्यूनिटी बूस्ट करने की ये दवाइयाँ हैं, ताकि उनको ये बीमारियाँ जो हैं बचाने के लिए, उनको कैसे बचाया जाए, अगर वो ठीक रहेंगे तो बाकी वालों का इलाज करेंगे, उसके लिए हम ये जगह जगह कैंप लगा के दे रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि जहाँ जहाँ जो ज़्यादा एक्सपोजर है जिन लोगों का, जो ड्यूटी कर रहे हैं 24/7, उनको पहुँचाए ताकि वो आगे काम कर सके और इस बीमारी से ज़्यादा ज़्यादा बचा जाए। साथ में हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि किस तरह कोरोना वायरस से बचा जाए। और ये हमारी अपील रहेगी कि सभी लोग एक तो लॉकडाउन का करें, पूरी तरह से पालन करें, दूसरी जो लोग एक्सपोज हो रहे हैं वो दवाइयाँ लें, इस्तेमाल करें ताकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी ठीक रहे और वो इन्फेक्शन से बच सके। तीसरा ये है कि जो लोग क्वारंटाइन में नहीं है या जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो अपने आप को बताएं आगे कि हम चल के आए थे या हम बाहर से आए हैं, ताकि उन पर नज़र रखी जा सके और वो अपना पीरियड क्वारंटाइन का पूरा करके आगे लोगों को हम बचा सके। ये हमारा बहुत बड़ा सोसाइटी के एक बड़ा किरदार होगा अगर हम आए सकें।